Yes, friends, today we are going to start part 8 of the chapter Organism and Populations of Class 12 Biology. In this part, we discuss about the, we already discussed in our part 7 lecture, what is the population interaction, if any organism in the interaction going to beneficial condition, represented by positive sign, and if any individual undergoing the harmful or negative interactions, it is called the, it is represented by the negative sign. If any individual have no gain, no loss in the interaction, it is represented by the zero sign. मैंने बताया था आपसे कि species A, species B दोनों में अगर interaction है और दोनों में अगर दोनों फायदेमंद हैं दूसरे के लिए बोलते हैं म्यूचुअल रिजम। दोनों पलास हो रहा है उसे कंपटीशन बोलेंगे, और अगर दो स्पीशीज में कंपटीशन हो रहा है, एक बेनिफिशियल है और एक हार्मफुल है, इसे हम प्रेडेशन कहेंगे। सेम वही हाल पैरासिटिज्म में है कि अगर एक इंडिविजुअल जो है बेनिफिट हो रहा है, एक कलास हो रहा है, जैसे मान लीजिए टीनिया सोनियम है किसी ह्यूमन के अंदर इंफेक्शन ह्यूमन के अंदर जो है पाया जा रहा है, उससे अपने फूड को डिराइव कर रहा है और अपने जो है ब्रीडिंग को मेंटेन कर रहा है, उससे उसका ही फायदा है, ह्यूमन का लॉस है, इसलिए इसको हम पैरासिटिज्म काउंट में काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं इसमें म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म और एमेंसलिज्म, ये तीन हमको पढ़ना है। तो हम पहले बात करेंगे कि व्हाट इज द कमेंसलिज्म, व्हाट इज द कमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म क्या होता है। तो कमेंसलिज्म में आपने देखा होगा कि इट इज रिफर्ड टू एज the interaction between two species where one species is benefited and other is neither harm nor benefits, दूसरा न तो उसको लाभ हो रहा है न तो उसको बेनिफिट हो रहा है, ऐसे को बोलते हैं हम कमेंसलिज्म। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ऑर्किड प्लांट होता है, ऑर्किड जो प्लांट होता है, इसमें मान लीजिए कि कोई एक लॉ है, कोई लकड़ी है जो कहीं गिर गया है, इस पे जो ऑर्किड्स होते हैं वो वैसे ग्रो करेंगे इसके ऊपर, और इसमें दो तरह के रूट्स पाए जाते हैं, एक जो उस लकड़ी को अटैच रखेंगे, दूसरा ये सॉइल में आ जाएगा, कहाँ जाएगा बेटा, सॉइल में आ जाएगा। जब ये रूट जो है सॉइल में आ जाएंगे, यह क्या है रूट है जो सॉइल में आ जाएगा, तो सॉइल में आने के बाद जो है सॉइल से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देगा, और प्लांट फूड को सिंथेसाइज करेगा। और यह जो रूट है यह केवल जो है इसका एंकरिंग रूट है, यह इसका एंकरिंग रूट है जो इस प्लांट को होस्ट के साथ या उस लॉग लकड़ी पे उसको अटैच किया हुआ है। ऐसे कुछ ऐसे भी आर्किड प्लांट होते हैं जो लिविंग प्लांट के ब्रांच में पाए जाएंगे, मैंगो ट्री में पाए जाएंगे, और उनके जो कुछ ऐसे रूट होंगे जो उस स्टेम से एंकर रहेंगे, और कुछ रूट जो है हवा में लटकते हुए मिलेंगे, जो रूट जो है एयर में लटकते हुए मिलेंगे, एयर में लटकते हुए मिलेंगे, तो एयर हैंगिंग जो रूट होगा बेटा, इस रूट का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं और माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, वेलामिन, वेलामिन टिश्यू मिलता है, और यह जो वेलामिन टिश्यू होता है वह एनवायरनमेंट से एयर में लटके हुए हैं, फिर भी एनवायरनमेंट से यह मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है। हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होता है वेलामिन टिश्यू, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, या नेचर से क्या करता है,
वाटर को, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और प्लांट को देता है और प्लांट जो है फूड को सिंथेसाइज करता है। तो यहाँ पे क्या है, जो बेनिफिट जो आपका ऑर्किड प्लांट है वो तो बेनिफिटेड हो रहा है, लेकिन जो मैंगो ट्री है वह ना तो कोई बेनिफिट है उसे और ना ही कोई लॉस है। इसे हम बोलते हैं कमेंसेलियम, क्या बोलते हैं कमेंसेलियम। इसमें ये जो ऑर्किड प्लांट है इसीलिए इसको नाम है एपिफाइट्स, यह एपिफाइट्स है। एपिफाइट्स मतलब होता है किसी प्लांट पे आधे रूप से ही उसपे क्या होना, निर्भर होना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अधिपादकता। अधिपादकता माने आधे रूप से ये किसी पौधे पे क्या होगा, पैरासाइट रहेगा ओनली फॉर द सेल्टर, लेकिन ये फूड खुद बनाएगा, है ना। आगे देखिए इसमें द एग्रेट्स आर क्लोज एसोसिएशन विद ग्रेजिंग कैटल। जो ग्रेजिंग कैटल होते हैं उस पे जो एग्रेट्स पाए जाते हैं उनमें आपस में ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होता है। द कैटल एग्रेट्स आर बेनिफिटेड बाय कैटल्स टू डिटेक्ट इंसेक्ट। जो कैटल एग्रेट्स होते हैं वो दूसरे कैटल में पाए जाने वाले जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें खा जाते हैं, वो खा जाते हैं और खाने के बाद उनको जो है क्या होता है, इंसेक्ट से बेनिफिट मिल जाती है और उनको न तो लाभ होता है और न कोई गेन होता है। ऐसे ही कमेंसेलियम एग्जाम्पल है ना। सी एनिमॉन एंड क्लोन फिश, सी एनिमॉन और क्लोन फिश के बीच में कमेंसेलियम होता है। फिश इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रीडेटर एंड सी एनिमॉन इज नाइदर बेनिफिटेड नॉट हार्म। जब जो सी एनिमॉन है उसके ऊपर जो है क्लोन फिश पाए जाएंगे तो सी एनिमॉन के द्वारा क्लोन फिश को प्रोडक्शन मिलेगा, जबकि सी एनिमॉन को न तो बेनिफिट होगा और न कोई लाभ होगा। इसे बोलते हैं कमेंसेलियम। आगे हम बात करते हैं कमेंसेलियम का, व्हाट इज कमेंसेलियम। कमेंसेलियम में एक को फायदा होगा, एक को लाभ होता है, एक को न तो फायदा होगा न कोई लाभ होगा। एग्जाम्पल के लिए जो मोल्ड पेनिसिलियम है, सीक्रेट पेनिसिलिन, जो मोल्ड पेनिसिलियम है वह पेनिसिलिन को सीक्रेट करता है जिससे बैक्टीरिया मर जाते हैं लेकिन मोल्ड पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे म्यूचुअलिज्म, तो अगर हम म्यूचुअलिज्म की बात करेंगे दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के लिए फायदेमंद होंगे। म्यूचुअलिज्म में बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर। दोनों को बेनिफिट मिलेगा इसमें, जैसे यह एक तरह का इंटरस्पेसिफिक इंट्रैक्शन होगा, इसमें दोनों इंट्रैक्शन में दोनों स्पीशीज बेनिफिटेड होंगे। एग्जाम्पल लाइकेन ले लीजिए, आपने लाइकेन का नाम सुना होगा, लाइकेन में बेटा एल्गी होता है और फंजाई होते हैं। एल्गी और फंजाई का क्या होता है, क्लोज एसोसिएशन होता है। एल्गी जो है फंजाई की बॉडी में पाई जाएगी और एल्गी जो है फंजाई जो है ऊपर और नीचे रहेगी और बीच में एल्गी पाए जाएंगे। फंजाई वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके और एल्गी को देती है। फंजाई के जो फंगल हाइफे होंगे वो सॉइल को पेनिट्रेट करेंगे और वे अपने फंगल माइसिलियम से राइजिंग का फॉर्मेशन करेंगे। जो राइजिंग जो होगा वह रूट की तरह काम करेगा, जो इसमें राइजिंग होगा वह रूट की तरह काम करेगा, जो वाटर को एब्जॉर्ब करके मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देगा एल्गी को और एल्गी तैयार करेगा, जिसके पास प्रोटीन होंगे ये फूड को बनाएगा और फूड जो दोनों क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मास्टर और स्लेव का क्या होता है, रिलेशनशिप होता है। मास्टर एंड स्लेव रिलेशनशिप, इसमें एक मालिक होता है और एक दास या गुलाम होता है। तो फंजाई क्या है, मास्टर है, एल्गी क्या है, स्लेव है। क्योंकि जब तक एल्गी को फूड नहीं मिल, वाटर मिनरल्स नहीं मिल जाते वह फूड नहीं बना सकता है, इसलिए वह डिपेंड रहेगा फंजाई पे। या मास्टर क्या हो जाएगा, फंजाई, और स्लेव क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा। तो लाइकेन है, ऐसे ही नाम सुनोगे आपको माइक्रोराइजा, नाम सुना कभी माइक्रोराइजा, नहीं सुना तो सुन लीजिए। अगर हम
हायर प्लांट्स एंड फिला फिलामेंटस फंजाई, रूट ऑफ हायर प्लांट्स और फिलामेंटस फंजाई के बीच में ये रिलेशन देखने को मिलता है। या मान लीजिए किसी प्लांट का रूट है, सिर्फ कुछ रूट ऐसे होते हैं जो बहुत दूर चले जाते हैं सॉइल में, और इसके रूट के जो है टिप होते हैं, इसी टिप पर जो है फिलामेंटस फंजाई पाए जाते हैं। ये जो फिलामेंटस फंजाई होंगे वो आस पास के सॉइल से वाटर को फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके इस रूट को देते रहेंगे, क्योंकि यह जो रूट लेयर्स है वो इतना कम सरफेस एरिया कवर करता है कि वो मैक्सिमम वाटर और न्यूट्रिएंट्स को ले नहीं सकता, इसलिए इसके टिप पर फिलामेंटस फंजाई पाए जाते हैं जो सॉइल से वाटर को और फास्फोरस को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते रहते हैं। और ये जो आपका पास जो न्यूट्रिएंट है, जो वाटर है, वो इस रूट के माध्यम से क्या मिलेगा, इस प्लांट को मिलेगा। प्लांट से प्लांट जो है उसका इस्तेमाल होकर फूड बनाएगा, और वह जो फूड होगा उस फूड के माध्यम से आगे बढ़ेगा और इस फिलामेंटस फंजाई को मिल जाएगा। यहाँ जो है रूट टिप ऑफ हायर प्लांट्स और फिलामेंटस फंजाई देख सकते हैं कि जो फिलामेंटस फंजाई होगा या फिलामेंटस फंजाई इनको वाटर देगा, न्यूट्रिएंट्स देगा, बदले में इसको एक फूड देंगे। सो बोथ द होस्ट आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, सो बोथ द होस्ट आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, सो इट इज कॉल्ड माइकोट्राइसिस। ऐसे ही आप देख सकते हैं कि म्यूचुअलिज्म आर फाउंड इन प्लांट एनिमल रिलेशनशिप, प्लांट टेक द हेल्प ऑफ एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ देयर सीड, एंड एनिमल्स आर रिवार्डेड इन द फॉर्म ऑफ नेक्टर और एडिबल पॉलन ग्रेन्स आर ओविपोजिशन साइट फॉर लेइंग। कह रहा है कि जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं इनके बीच जो है क्लोज रिलेशनशिप है, इंट्रैक्शन है। जो इंसेक्ट होते हैं वो, जो बर्ड्स होते हैं, जो इंसेक्ट होते हैं, वो फ्लावर से नेक्टर लेते हैं और बदले में वो फ्लावर को क्या करते हैं, पॉलिनेट करते हैं। सो बोथ आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, सो इट इज कॉल्ड है हाउ दैट, क्या बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म, क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म। बोथ द होस्ट आर बेनिफिटेड टू ईच अदर, इट इज कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।